हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैन्सीज तड़का। तो आज हम गणेश चतुर्थी स्पेशल एक बहुत ही अच्छी मिठाई बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी ले लिया है और इसमें डाले हैं थोड़े से बादाम। बादाम को हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे और फिर इन्हें निकाल लेंगे। अब इसमें मैंने डाले हैं थोड़े से काजू, काजू को भी हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे और फिर इन्हें भी निकाल लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश और इसे भी फ्राई कर लेंगे। किशमिश जब पूरी फूल जाए तब इसे निकाल लेंगे। अब 2 से 3 चम्मच मैं इसमें गोंद डालकर इसे भी फ्राई कर लूँगी। देखिए गोंद फूलने लग गई है। अच्छे से जब ये फ्राई हो जाए तब इसे भी निकाल लेंगे। और अब मैं एक कटोरी की मदद से इसे हल्का हल्का क्रश कर लूँगी। आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन वो पूरे पाउडर बन जाती है और मुझे थोड़ी सी दरदरी पसंद है, इसलिए मैं इसे कटोरी से क्रश कर रही हूँ। अब बचे हुए घी में मैंने 1/4 कटोरी घी और ऐड किया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 कटोरी गेहूँ का आटा और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम भूनेंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि इसमें घी बहुत कम है, क्योंकि जब आप इसे कड़छी से चलाओगे तो आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आटा भूनता जाएगा वैसे वैसे इसमें से घी निकलता जाएगा, मतलब ये घी छोड़ने लगेगा। तो धीरे धीरे इसी तरह इसे चलाते रहिए और भूनते रहिए। देखिए थोड़ा सा इसका कलर पहले से डार्क हो गया है। आप इसमें और घी ऐड करने की गलती मत करना, नहीं तो मिश्रण आपका बहुत ढीला हो जाएगा। तो इसी तरह इसे लगातार चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे भूनते रहेंगे जब तक इसमें से अच्छी खुशबू नहीं आ जाती। तो देखिए अब इसमें से घी नज़र आने लग गया है और मिश्रण थोड़ा ढीला भी हो गया है। ये देखिए आपको भी दिख रहा होगा ऊपर घी घी नज़र आता हुआ। अब आपको इसका कैसा कलर चाहिए वो कलर आने तक आप इसे भूनें। मुझे इसका यही कलर चाहिए, इसलिए मैं इससे ज़्यादा इसे और नहीं भूनूंगी। अब हम इसे निकाल लेंगे किसी बड़े बर्तन में और इसे हम इस तरह चलाते हुए ऊपर नीचे करेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 पीसी हुई इलायची और जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे उन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया था। इसके साथ ही हमने जो गोंद क्रश की थी वो भी ऐड कर देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिश्रण अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे। तो मैंने 1 कटोरी से कुछ 5 से 6 चम्मच कम शुगर पाउडर लिया है, पूरी भरकर कटोरी नहीं ली। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो 2 से 3 चम्मच शुगर पाउडर और ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लूँगी और फिर हम इसके लड्डू बना लेंगे। और इसके ऊपर आप काजू, पिस्ता, बादाम जो चाहें उससे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इसी तरह बाकी के भी लड्डू बना लेंगे। तो बड़े आसान तरीके से घर के ही सामान से हमारे आटे के लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आप इस गणपति फेस्टिवल पर ये वाले लड्डू बनाकर गणपति बप्पा को भोग लगा सकते हैं। तो आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.